ग्वालियर शहर के गोलकबंदी थाना क्षेत्र में चिकित्सक को दिखाकर घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाश 1.5 तोला बजनी सोने की चैन लूट ले गए। घटना ब्रिगेडियर तिराहे बिलार अस्पताल के पास की है। पुलिस ने इस मामले में 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ डकैती और लूट का मामला दर्ज किया है। घटना के बारे में पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों के फुटेज तलाश रही है, जिससे उनका सुराग पाने में आसानी हो। पता चला कि सूर्य विहार कॉलोनी पिंटो पार्क की रहने वाली महिला ममता शर्मा अपनी तबीयत नासाज होने पर गौरी अस्पताल दिखाने गई थी। वहां से लौटते समय सोमवार रात को बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चैन लूट ली। घटना लगभग रात को 8 बजे की है। महिला घटना को चिल्लाती हुई बदमाशों के पीछे भी भागी, लेकिन लुटेरे बाइक में बैठकर पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो गए। पीड़ित महिला तुरंत ही गोलकबंदी थाने पहुंची और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। मंदिर चौराहे के पास में एक महिला अपना इलाज करा के एक रिक्शे से कहीं आ रही थी। दो बाइक सवार जिन्होंने अपना चेहरा बांधा हुआ था और चौराहे के पास में उसके जो एक गले में चैन थी उसको तोड़ के निकल गए। लगा इसमें दो टीम बनाई हुई है, एक टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रही है और दूसरा जो टेक्निकल और जो बिंदु हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ फुटेज हमें मिल गए हैं, उम्मीद है कि बड़ी जल्दी जो इसमें लुटेरे हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो न्यायालय के सामने पेश कराएंगे।